पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछे तो कैसे क्या बताएंगे, कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, याद करो सब लोग, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, समझ रहे बात को, तो लिखो एक लाइन में। देखो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। आई बटा ओ भी लिख सकते हैं और एम बराबर भी बटा यू भी लिख सकते हैं। आई याद है ना, प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं, लिखना पड़ेगा कि समझ जाएंगे, जहाँ लिख रहे हैं आई प्रतिबिंब की लंबाई। देख का लिखल हो बहुत लगता है, लगने के लिए काना लगे ला। अरे यू निकलो, लगे खाती काना लगे ला।